तो हेलो गैस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे गैस, मैं सिखाने वाला हूँ आज ना कि ये वाला जो फ़ोटो है मेरा फ्रेंड का फ़ोटो है, तो मैं अभी तक सोचा नहीं हूँ कि कैसा एडिट होने वाला है। तब भी मैं इस ट्यूटोरियल में कैसा करने वाला हूँ ये फ़ोटो का पूरा ऑल स्टेप ट्यूटोरियल में बता दूंगा। तो आप लोग वीडियो को एंड तक बने रहिएगा, ये फ़ोटो एडिटिंग कैसे होने वाला है पूरा इस ट्यूटोरियल में आप लोग को मैं बता दूंगा। तो इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, जाके लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो ऐसे ये वाला फ़ोटो कैसे होने वाला है तो आप लोगों को मैं इस ट्यूटोरियल में बता दूंगा। तो ये वाला फ़ोटो का एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे गाइस देख सकते हैं ये वाला फ़ोटो है, तो फ़ोटो को पहले स्नैपशॉट में सेंड करेंगे, क्योंकि फेस के सामने जो ब्लैक ब्लैक है ना उसको मैनेज कर लेंगे। जैसे यहाँ के साइड में, तो यहाँ के साइड में रख लेते हैं एक, यहाँ के साइड में, तो यहाँ से लॉक हो जाएगा, मतलब ये वाला साइड लॉक हो जाएगा, वाला लॉक हो गया। फिर बोला ये वाला साइड को हम थोड़ा सा लाइटिंग बढ़ा लेते हैं, हेयर के सामने भी लॉक कर लेंगे। हेयर के सामने लाइटिंग नहीं जाना चाहिए, सिर्फ फेस में लाइटिंग चाहिए। तो देख सकते हैं तो इधर लाइटिंग आ गया है, बिफोर इन आफ्टर देख सकते हैं। थोड़ा हेयर के सामने भी लाइटिंग लेना होगा ना, तो ले आते हैं इधर लॉक, इधर लॉक। अब इधर के साइड में कुछ नहीं जाएगा, तो यहाँ से थोड़ा सा लाइटिंग बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ से डन। तब क्या करना है, बैकग्राउंड ब्लर करना है, तो यहाँ से फ़ोटो को सेव कर लेते हैं। तो फोटो सेव हो गया, आ जाओ फोटो, या तो आ गया। तो इसको अब फोटो रूम में सेंड कर लेते हैं, बैकग्राउंड ब्लर कर लेते हैं, वो भी DSLR का जैसा। DSLR का जैसा सीखना है आप लोग को तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ऐसा वीडियो मैं बना दिया हूँ, जाके आप लोग सीख सकते हैं, नहीं तो आई बटन पे मिल जाएगा। तो फोटो रूम को पहले नेट ऑन करना पड़ता है, तो नेट मेरा ऑन है, तो अच्छा से पहले फ़ोटो को डिटेक्ट करेगा, नहीं हुआ तो फिर से फ़ोटो को ऐड करते हैं। तो हो जाओ ले, तो देख सकते हो पहले तो बैकग्राउंड इरेज होता है, फिर हम लोग जैसा चाहेंगे जैसा कर सकते हैं। तो अब हम लोग बैकग्राउंड ब्लर में टैप कर लेंगे, फिर ब्लर को थोड़ा सा बढ़ा के मैनेज कर लेंगे, फिर फ़ोटो को सेव कर लेंगे, फिर अच्छा सा मैनेज करेंगे जाके पिक शॉट में, क्योंकि नीचे के साइड में भी जो ब्लर आ जाता है ना तो उसको थोड़ा सा मैनेज करना होगा, प्रॉपरली मैनेज कर लेंगे। तो बताता हूँ, जल्दी जल्दबाजी मत करो। तो अच्छा से ब्लर के जाके टैप करेंगे यहाँ ब्लर वाले में, तो देख सकते हैं नीचे के साइड में जो ब्लर आ गया है ना, तो ब्लर को हम लोग पिक साइड में मैनेज कर सकते हैं। और कैसे मैनेज कर सकते हैं मैं बताता हूँ। थोड़ा सा ब्लर को जाके टैप करेंगे या थोड़ा सा ब्लर ज़्यादा कर देंगे, ज़्यादा भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा कम रखते हैं, ज़्यादा फेक जैसा नहीं चाहिए, है ना, थोड़ा नेचुरल लगना चाहिए। तो इतना रखते हैं, इतना काफ़ी है। तो फ़ोटो को सेव कर लिया, फ़ोटो सेव हो गया। अब हम लोग ओपन कर लेते हैं पिक साइड में फ़ोटो। तो मैं अब बता दूं कि जो नॉर्मल फ़ोटो है, जो फेस का लाइट बढ़ाए थे, तो उस वाला फ़ोटो को हम लोग पिक शॉट में सेंड कर लेंगे। तो यहाँ से सेंड कर लेते हैं, फिर मैं बताने वाला हूँ कि क्या करने वाला हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे पिक शॉट में फ़ोटो सेंड तो कर लिया, आप क्या करने वाला है ये, तो मैं बताता हूँ, जल्दबाजी मत करो। तो यहाँ से टैप कर लिया, तो देख सकते हैं तो जो लाइटिंग जो बढ़ाया था मैं स्नैपशॉट से, तो फ़ोटो को पहले तो रिसाइज कर लेते हैं, तो ठीक साइज है। तो यहाँ से ऐड फ़ोटो में जाएंगे, जो बैकग्राउंड ब्लर किए थे वो बैकग्राउंड ब्लर वाला फ़ोटो ऐड कर लेंगे। तो आप लोग समझ गए क्या करने वाला हूँ, सिर्फ मैं बैकग्राउंड ब्लर करने वाला हूँ। जो देख सकते हैं नीचे के साइड में भी ब्लर हो गया था, तो नीचे के साइड में ब्लर नहीं चाहिए, तो नीचे के साइड वाला जो है हम लोग इरेज कर लेंगे, सॉफ्ट ब्रश करके इरेज कर लेंगे। तो ऐसे ऐसे इरेज कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ ब्लर हम लोग को नहीं चाहिए था वहाँ से ब्लर हम लोग हटा लेंगे।
यहाँ ब्लर हम लोग को नहीं चाहिए। तो ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रश करके कीजिएगा तो हट जाएगा। तो देख सकते हैं, तो फोटो को डन करते हैं, आप लोगों को बिफोर इन आफ्टर दिखाते हैं। तो देख सकते हैं बिफोर इन आफ्टर गाइस, बिफोर इन आफ्टर। तो यहाँ से फोटो को सेव करते हैं और लाइट रूम में फोटो ओपन कर लेते हैं। तो लाइट रूम में ओपन करने वाले हैं, तो ये वाला फोटो है, तो लाइट रूम में सेंड कर लेते हैं और कलर ग्रेडिंग करते हैं। तो कलर ग्रेडिंग कैसा होने वाला है मैं दिखाता हूँ कि कैसा होने वाला है कलर ग्रेडिंग। मैं तो सोचा हूँ कि थोड़ा चॉकलेट सा कलर ग्रेडिंग करूँ, मतलब चॉकलेट, ज़्यादा हार्ड भी नहीं, ज़्यादा फेक भी नहीं, चॉकलेट जैसा। तो ब्लैक को थोड़ा बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा मैनेज कर लेता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे ग्रीन के ऑप्शन में, थोड़ा सा चॉकलेट जैसा करना है ना, तो यहाँ से कर लेते हैं चॉकलेट जैसा होगा। थोड़ा सा माइनस करते हैं, थोड़ा सा माइनस, फेस को वाइट कर लेते हैं यहाँ से माइनस करने के बाद। रेड को थोड़ा सा ग्लो देंगे, फेस तो हो गया। बैकग्राउंड को मैनेज कर लेते हैं, थोड़ा सा चॉकलेट जैसे देंगे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं, ज़्यादा फेक भी नहीं। जो स्काई है, स्काई को वाइट ही रखेंगे, बिफोर इन आफ्टर। तो यहाँ से डन करते हैं, यहाँ से फोटो को थोड़ा हार्ड करेंगे, तो बिफोर इन आफ्टर। तो कलर ग्रेडिंग पूरा हो गया है। तो होप कि गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक गाइस।